हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे साथ एक भाई, इंडिया से नए आए हैं, ड्राइवरी में आए हैं, हाउस ड्राइवर में। तो अभी इनकी हम ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे क्या चलाते हैं गाड़ी, बोलते हैं इंडिया में चला के आए हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? संदीप। संदीप, हाय हेलो बोल दो हमारे दोस्तों को। नमस्ते नमस्ते कुछ कर दो। नमस्ते। अच्छा जी, तो कितने साल चलाए हैं इंडिया में आप गाड़ी? एक साल। एक साल, अच्छा। तो कितनी तारीख को आए हैं सऊदी? एक तारीख। तो ये एक तारीख को आए थे भाई, 1 मई को सऊदी। तो उसी दिन इनका कफिल जो है गाड़ी दे दिया था, बोला चलाओ लाओ और चला के देखो रोड पे। हमसे बोला कि जो है थोड़ा तालीम दे दो इनको। तो वही देख रहे हैं कैसे चलाते हैं कैसे नहीं। तो गियर कहाँ पे है आप ये बताइए हमको। ये गियर है। यहाँ थोड़ा तो यहाँ पे हमको गियर बताइए कैसे कौन कैसे गियर पड़ेगा। एक, हाँ, दो, ये दो हो गया। तीसरा गियर किधर पड़ेगा? तीसरा। ये तीसरा हो गया। चौथा? चौथा ये हो गया चौथा। और पांचवा? अभी गियर पड़ा नहीं है आपका, पड़ गया? क्लच नहीं दबा ना। ठीक है। बैक गियर किधर लगेगा? बैक गियर थोड़ा फंसता है इसका, ये देखिए। चलो गियर तो सही लगा रहे हैं। अभी क्लच किधर है इसका? ब्रेक ये और एस्केलेटर एक किनारे। थोड़ा दिखाइए एस्केलेटर, ये। तो इनको गियर वाली गाड़ी मिली है अभी, इधर आईडी गाड़ी बोलते हैं इसको। चलिए भाई बोनट वोनट खोलिए इसका, पानी वानी चेक कर लीजिए। बोनट कहाँ से खुलेगा? हाँ बोनट तो खोल लिए, चलिए पानी चेक करिए। देखते हैं भाई पानी वानी, देखते हैं कहाँ चेक करते हैं। ये गाड़ी दी है इनको, अभी धुलाएगी बाद में धुलाएंगे। यहाँ ऐसे भाई देखते नहीं है, बस ऐसे हाथ लगा के उठा देते हैं। नीचे आने दो उसको। लो तो पानी कहाँ इसका पड़ेगा? ये रेडी वाटर का पानी पड़ेगा इधर पे। कूलेंट में पानी किधर पड़ेगा? कूलेंट का मालूम है? चलो सही है। पानी है अभी है। उसको वैसे नहीं देखते हैं, ऐसे इसको उठाते हैं। ये देखिए इसमें पानी लगा हुआ है, चेक कर लेंगे पानी है कि नहीं। उसमें है पानी रेडी वाटर में? इसमें फुल आ रहा है। चलिए ठीक है। ऑयल किधर से चेक करेंगे इसका? चलिए सही, देखिए ऑयल कितना है बताइए जरा। पूछ के भी तो है। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद करिए बोनट। चलिए भाई स्टार्ट करिए गाड़ी अभी। तो अभी देखिए भाई लोग, अगर ये देखिए गलती कर दिए हैं, हैंड ब्रेक हटा दिए हैं पहले। यहाँ पे गाड़ी जो होती है उसको पहले ये देखिए, ये यहाँ पे कांटा है उसको हरारा बोलते हैं इधर। जब ये कांटा, अभी देखिए अभी ये एक पर है, एक मिनट अच्छे से दिखाते हैं। हाँ अभी ये एक पर है, वो जब नीचे आ जाएगा कांटा तो उसके बाद गाड़ी गर्म हो जाएगी। अभी गाड़ी ठंडी रहती है, जब कांटा नीचे आ जाएगा इसका मतलब ऑयलिंग हो गई है, तभी आप गाड़ी निकालेंगे। अगर आप सुबह सुबह पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो आपको ये कांटा नीचे लाना होगा गर्म करके। अभी भाई ये गलती कर दिए हैं, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए भाइयों, अभी जो है कांटा जो है एक के नीचे आ गया है, अभी आप देख सकते हैं। धूप है इसलिए दिख नहीं रहा है,
ये देखिए कांटा एक के नीचे आ गया अभी, तो अभी ऑयलिंग हो गई है गाड़ी की पूरी। तो चलते हैं इनसे बैक करवाते हैं गाड़ी। चलिए भाई बैक करिए, बैक करके पीछे लाइए। अभी देखिए ये ध्यान दे दिए हैं, ठीक है, नहीं तो बिना सीट बेल्ट के निकाल रहे थे। यहाँ पे भाई सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी निकलें सीट बेल्ट लगा के निकलें। हैंड ब्रेक हटाया, बैक गियर लगाया, चलिए लाइए पीछे धीरे धीरे। रोड पे लेके चलिए, रोड पे चलिए। गाड़ी तो सही चला रहे हैं, बंद नहीं हुई। खैर अगर भाई आप इधर आते हैं गाड़ी बंद नहीं होती है तो मान लीजिए अब ड्राइवर सही है। अभी इधर लेके जा रहा है, हमको इधर जाना है लेकिन घुमा लेंगे। ये रोड है यहाँ की, चलिए सही तो चल रहे हैं अभी। तो अभी भाई आपको यहाँ के रोड मालूम नहीं तो आप आराम से ही चलेंगे, स्लो स्लो वही तो चला ही, ठीक है। और रोड पे ध्यान देते जाइए, ऐसे ब्रेक आराम से लगाया, आराम से निकाला ब्रेकर। चलिए भाई गाड़ी तो भाई सही चला रहे हैं अभी, बस इनको मेन रोड पे थोड़ा दिखाते हैं कैसे चलना है। तो अभी भाइयों आ गई है मेन रोड हमारी, तो अभी इनको इस पे लेके चलते हैं। इधर चलना पड़ेगा, हाँ यमीन में चलना है। यमीन मालूम है ना क्या, कौन सा साइड होता है यमीन? दाहिना। बोलो थोड़ा मालूम चल जाएगा आराम आराम। पहले ही नंबर पे लाओ गाड़ी, ठीक है, ये सही है। अभी इधर पे लेके आ गए, अब धीरे धीरे इंडिकेटर देके दो नंबर पे आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, ये उधर जो किनारे वाली पट्टी है उसको हम बोलेंगे एक नंबर, जिस पे अभी चल रहे हैं दो नंबर बोलेंगे, और ये इधर साइड में तीन नंबर। क्या नाम बताया भाई आपने? संदीप। संदीप, अभी संदीप भाई जिस पट्टी पे चल रहे हैं बीच में, वो दो नंबर पर चल रहे हैं। आप लोग नए नए आते हैं तो दो नंबर पर चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पीड में ना चलें क्योंकि आपको रोड मालूम नहीं है। आपका कपिल किस टाइम पे बोल देगा कि आपको राइट लेफ्ट जाना है तो आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे एकदम से। तो चलते रहिए, आगे रेड लाइट है, वहाँ से आपको यू टर्न मारना है संदीप भाई, ठीक है। यू टर्न मालूम है ना? मालूम। क्या यूटर्न? ये बात तो, ये भाई लोग आ गया यू टर्न, वहाँ से जो गाड़ी मुड़ रही है आपको वहाँ से वैसे यू टर्न मारना है भाई, ठीक है। ये बात, इधर ले चलो, इधर यमीन में चलना है, हाँ राइट साइड। इंडिकेटर देख के सही है, बस गाड़ी ना हो तो एकदम से जो है डिवाइडर भाई मत चिपकाना, अभी गलती कर दिए हैं, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, लेकिन डिवाइडर में ना चिपकाना, ठीक है। अब चलते रहिए सीधा। अभी देखिए गाड़ी पे, रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं है तो ठीक है, आप यहाँ पे दो नंबर हैं, ठीक है, रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं है तो आप एक नंबर पे चल सकते हैं। अगर गाड़ी है पीछे तो आप साइड में, अपनी साइड में, राइट साइड में ले आएंगे इस नंबर पे, ठीक है। तो इस साइड में ले आओ गाड़ी, तुम आगे से हमको आगे वाली पट्टी से दाहिने मुड़ना है, जहाँ पे वो झंडा लगा है, ये वाला खंभा है बड़ा वाला, इससे दाहिने मुड़ना है जमीन में, हाँ इससे। भाई गियर वियर पे ध्यान देना, ये बात, गाड़ी दूर से नहीं काटना, ठीक है, सीधा, हाँ आप सीधा चलते रहिए। अभी आगे से हमको एसआर जाना है, एसआर मालूम है आपको? एसआर का मतलब क्या होता है? बाया। एसआर चलना है, वो काला गेट लगा है वहाँ पर रोकना है, सीधी सीधी गाड़ी खड़ी करना पार्किंग पे, ये गेट लगा है, ये? हाँ
तो दोस्तों आ गए, इनको भाई को ट्रेनिंग दे के आ गए हैं। अभी भाई से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो भाई कैसा सिस्टम रहा? ठीक था, चलाने मज़ा आया गाड़ी? मज़ा आया। तो अभी कुछ यमीन एहसास लेफ्ट राइट मालूम हुआ? यमीन को क्या बोलेंगे? दाहिने। और एहसास को? बाएं। बोलेंगे वक्फ? रुक जाओ। तो भाई इनको 4 दिन हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत देखो नॉलेज हो गया है, तो नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी जब ये गाड़ी चलाने लगेंगे तब इनका इंटरव्यू लेंगे, कैसा क्या सिस्टम है पूछेंगे, सही चल रही कि नहीं। और भाई एयरपोर्ट से आए थे तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। लेने कौन गया था? आप। अच्छा जी। और भाई घर की तो याद नहीं आ रही है? नहीं। सब बढ़िया है ना? बढ़िया। अपने घर वालों को बोल दो कि अच्छे से हैं, ठीक से हैं। बोल दो घर वालों को। ठीक है भाई। हाँ, मम्मी पापा को बोल दो हम अच्छे से हैं। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं? खाना पीना टाइम से मिलता है? कोई कुछ बोलता है? नहीं। तो संदीप भाई, अगर नए लोग जो आ रहे हैं, जैसे आप अभी आए हैं, तो आप बोल रहे हैं आपको प्रॉब्लम कोई हुई कि नहीं हुई, क्या हुई? नहीं, ठीक है। अच्छा, तो जो भाई लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? चला रहे हैं तो आ सकते हैं भाई। गाड़ी मतलब उनका कहना है कि अगर गाड़ी इंडिया में चला रहे हैं तो आ सकते हैं। कोई गाड़ी इधर चलाने में दिक्कत? नहीं, कुछ नहीं। बस खाली यही है कि इसकी स्टीयरिंग उस साइड होती है, अपने इधर इस साइड होती है। तो आप जिस साइड में बैठेंगे, यानी कि ड्राइवर साइड में ही गियर लगेगा पहला। जैसे अपने यहाँ पे दाहिने साइड स्टीयरिंग होती है तो उधर ही को पहला गियर लगेगा ऊपर जाके। जैसे अभी अपने यहाँ बैठेंगे तो इधर को पहला गियर लगेगा, लेकिन अगर अभी यहाँ पे उल्टी साइड पे स्टीयरिंग है तो उस साइड को जाके पहला गियर लगेगा आगे। ठीक है, तो भाई लोग जो आना चाहते हैं नए लोग तो आ सकते हैं। तो संदीप भाई, जो भी भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक करें, कमेंट करें। मतलब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे चलाते हैं गाड़ी सऊदी में। ठीक है, चलिए बस आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। कल मिलेंगे। संदीप भाई बोल रहे हैं हमारे कल मिलेंगे, देखते हैं कल मिलते हैं नहीं, क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी लग जाएगी तो हम नहीं जो है बता पाएंगे गाड़ी इनको। बाकी आए थे 1 तारीख को, तो पहले भी बताया कि इनका कपिल जो है गाड़ी दे दिया था और बोला था जाओ अपना ट्राई करो चलाओ, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद इधर मदरसे चालू होने वाले हैं तो इनको मदरसा लाना ले जाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।